नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोने। जिस तरीके से कोरोना तेजी से फैल रहा है, इसको लेकर सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन कंपलसरी कर दिया और जगह जगह पर इसके कैंप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि अगर कल की बात की जाए तो कल हिसार के अंदर 13 कोरोना के पॉजिटिव मरीज देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से अब जो है रफ्तार तेज हो गई है वैक्सीन लगवाने की। और जो ये मेरे पीछे आप लंबी कतारों के अंदर बच्चे देख पा रहे हैं, ये सभी 15 से 18 साल के। हालांकि इस वक्त मैं हिसार के संकल्प हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूं और मेरे साथ यहां पर सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती आई हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां जो है अब कोरोना को लेकर के की जा रही है। मैडम, मुझे ये बताइए कि जो दो पेशेंट ओमिक्रॉन के मिले थे पॉजिटिव, उनके अंदर शुरुआती लक्षण क्या देखने को मिले थे? नहीं, ऐसा कोई खास नहीं था। उन्होंने वो आए थे ऑस्ट्रेलिया और दुबई से आए थे और उनके गले में थोड़ी खराश थी। उन्होंने वैसे वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी टेस्ट हुए थे, नेगेटिव थे, लेकिन उनकी थोड़ी सी गले में खराश शुरू हुई। उन्होंने टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव थे, अदरवाइज उनमें ऐसा कोई लक्षण नहीं आया जिसके बारे में हम सीरियस होते। अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार में कल पहले दिन ही एक ही दिन के अंदर 13 मरीज देखने को मिले हैं पॉजिटिव जो आए हैं, तो अब तीसरी लहर को कंट्रोल करने के लिए हिसार के अंदर क्या कुछ किया जा रहा है? इसके लिए पूरे इंतजाम हैं। हमारे हॉस्पिटल्स सभी प्राइवेट गवर्नमेंट सेटअप पूरे अच्छे से तैयार हैं। बेड्स, ऑक्सीजन, पीएसए प्लांट्स, हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स सब सफिशिएंट हैं। और अभी इतने लक्षण नहीं हॉस्पिटलाइज हो, हम होम आइसोलेशन में उन्हें ऑब्जर्व करना चाहेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि लोग छुपाएं ना, लक्षण हैं तो टेस्टिंग करवाएं। टेस्टिंग नहीं करवाएंगे तो छुपेंगे लक्षण और सबको फैलाएंगे वो जाने अनजाने में। तो हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हम उसको टेस्ट करके ट्रैक करके उसको ट्रीट करें और उसे आइसोलेट करें, वो ज्यादा बेस्ट है बजाय कि इधर उधर फैलाने के। मैम, कुछ बातें निकल करके आ रहे हैं कि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे थे बाहर हॉस्पिटल्स के अंदर, लेकिन अब स्कूल्स के अंदर क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि स्कूल्स के अंदर शायद अब 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगे हैं? 15 से 18 स्कूल के हैं, टीचर्स की सपोर्ट है, प्रिंसिपल्स की सपोर्ट है, उन्हें पता भी है उनके बच्चे हैं और इधर उधर बच्चे ना भटकें, शहर में ना जाएं आजकल क्योंकि छुट्टियां हैं, बच्चे बड़े काफ़ी प्रेशियस भी हैं, तो पेरेंट्स भी थोड़ा वो होते हैं कि इधर उधर भीड़ में ना जाएं। तो स्कूल्स में प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ उन्हीं के स्कूल में या कोई भी स्कूल का बच्चा आता है, ये ऊपर से ही गाइडलाइंस आ गई हैं कि स्कूल के बच्चों को स्कूल में करा जाए। और वैसे सभी साइट्स ओपन हैं, कहीं पर भी जाके पेरेंट्स करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैम अब आगे आने वाले दिनों के अंदर हिसार के अंदर क्या कुछ नई गाइडलाइंस भी इशू होने वाली है मास्क को लेकर के? मास्क तो शुरू से सेम प्रोटोकॉल है, सेम गाइडलाइंस है, सेम ट्रीटमेंट है, ऐसा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। एक डॉक्टर है चंडीगढ़ के अंदर, बड़ा ही विवाद चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि मास्क लगाना उनकी तरफ से कहा गया है कि सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? नहीं, इसके बारे में हमारी कोई गाइडलाइन ऐसी स्पेशल नहीं आई है। हम मास्क आपके सामने हैं पहन रहे हैं, हमें अगर गाइडलाइन होती तो हम पहनना छोड़ देते, तो हम मास्क में ही सुरक्षित हैं। यही हमारी वैक्सीन भी है, दोनों डोज वैक्सीन की लें और मास्क पहने। इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है आमने सामने खड़े होकर, जल्दी फैलाओ है, और शरीर के हिसाब से किसकी कितनी इम्यूनिटी है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वही वायरस किसी के लिए कोई भी सिम्टम साइंस नहीं देगा और दूसरे के लिए इंजूरियस हो सकता है, तो इसलिए हम यही चाहेंगे। हमें नहीं पता किसकी बॉडी की कितनी इम्यूनिटी है, सेकेंड डोज वैक्सीन लगने के बाद इम्यूनिटी है ठीक है, लेकिन उसकी अपनी बॉडी है, कोमॉर्बिड है नहीं है, वो वायरस को पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा ये उसका अपना बॉडी का वो सिस्टम है। इसलिए सभी को मास्क लेना चाहिए ये सोचते हुए कि हमें नहीं पता हमारी इम्यूनिटी कितनी। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। संकल्प हॉस्पिटल से डॉक्टर संगीत भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर संगीत, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो है 15 से 18 साल के बच्चों को कौन सी वैक्सीन लग रही है? नमस्कार मैम, इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको कोवैक्सीन लग रही है और कोवैक्सीन ही अवेलेबल है इस टाइम। और अभी तक 250 प्लस बच्चों ने हमसे यहाँ पे कोवैक्सीन ले चुके हैं और अभी बाकी आप लाइन देख ही रहे हैं कि लाइन लगी हुई है बच्चों की, तो वो चल रही है अभी। और ये 18 जो ग्रुप है अभी, इसमें 18 साल में आपके दर्शकों को बता दूं कि 18 साल से में जो भी एंटर है उसको दोनों में ही रजिस्टर्ड किया जा रहा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन में, बट वो लग उनको कोवैक्सीन रही है। तो सभी के लिए एक संदेश है कि बच्चे कोवैक्सीन में ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, होम से भी रजिस्ट्रेशन कराएं या यहाँ पे भी आके किसी से रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कोवैक्सीन ही रजिस्टर्ड कराएं, क्योंकि पोर्टल कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों उठा रहा है। ठीक है, अब 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है, तो शायद इसका पहला या दूसरा कैंप जो है संकल्प हॉस्पिटल में लगा है, तो क्या आगे आने वाले दिनों के अंदर भी संकल्प हॉस्पिटल में 15 से 18 साल के
बच्चों के लिए कैंप लगने वाले हैं, और टाइमिंग क्या है आज की? आज की टाइमिंग तो मैम सुबह 9:30 बजे से कैंप शुरू हुआ था, 3:30 बजे तक का टाइम था, बट जिस तरीके से भीड़ है और जैसे सीएम मैम खुद आके यहाँ पे हमें अप्रिशिएट करके गए कि अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज किया है, और ये कैंप के मेन श्रेय डॉक्टर प्रभु यादव को जाता है, उन्होंने इस चीज़ में बहुत भागदौड़ की है इस चीज़ को अरेंज करवाने के लिए हमें, और मैम का भी एक बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर रत्ना भारती का, क्योंकि वो आके टीम को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, दूसरी जगह पे भी जा रहे हैं कि कैंपेनिंग कैसे चल रही है, अगर वो आगे हमें मौका देते हैं तो हम आगे भी कंटिन्यू कैंप को लगाएंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चे मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हिसार सोलगर डाली। कितने साल के हैं? 15 साल के हैं। आप कितने साल के हैं? मैं 15। 15 साल के हैं आप? 16 साल के हैं। तो आज आप लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं, तो किसी ने बताया या फिर खुद जनरली आए हैं? जनरली आए हैं। किसी ने बताया था? जनरली आए। तो क्या समझते हैं कि क्या 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवानी चाहिए? इसमें लगवानी चाहिए, ये क्यों लगवानी चाहिए? कोरोना से बचे रहेंगे, और इससे मास्क भी पहनना चाहिए ताकि कोरोना अपने हिसार को बचाए रखे कोरोना से। आपसे आपकी उम्र क्या है? 15 इयर्स। 15 इयर्स। कहाँ पर पढ़ते हैं? इसारी पढ़ता हूँ। इसारी पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये वैक्सीन लगवाना जरूरी क्यों समझते हैं? इससे लगाने से बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, इससे एंटीबॉडीज के अंदर बहुत कोरोना की एंटीबॉडीज होती हैं, इसके लिए हमें बहुत वो होता है कि कोरोना होने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि अब तक क्या बच्चे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं। मैडम, क्या यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है 15 से 18 साल के बच्चों का? हाँ जी, सब कुछ किया जा रहा है, 15 से 18 साल के बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। अच्छा, यानी कि ऊपर पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है, उसके बाद नीचे वैक्सीन लगाई जा रही है? हाँ जी, नीचे वैक्सीन लगाई जा रही है। ठीक है, तो अब तक कितने बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं? 100 से ऊपर। हाँ जी, 100 से। तो आपको बता देती हूँ कि बहुत ज्यादा कतार जो है बच्चों की अब लगने लगी है वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि 15 से 18 साल के युवाओं के लिए वैक्सीन जो है सरकार ने लॉन्च कर दी है और कंपलसरी भी कर दी है, जिसकी वजह से अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो कहीं पर भी किसी भी सरकारी दफ्तर ऑफिस के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अब जो है बच्चे कतार के अंदर ज्यादा लगने लगे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक लाइन लगी हुई है, 15 से 18 साल के ये बच्चे हैं जिनको वैक्सीन लगनी है। हालांकि अभी तक जो है इनको सिर्फ एक ही वैक्सीन लगाई जा रही है, दूसरी नहीं लगाई जा रही है, और ये सभी जो है अभी अपनी पहली डोज लगवाने के लिए आए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो है स्कूलों के अंदर भी सरकार की तरफ से प्रबंध किए जाएंगे ताकि इतनी ज्यादा लंबी कतारों के अंदर बच्चों को ना खड़ा होना पड़े। खैर, आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वैक्सीन लगाई जा रही है और क्या कुछ तैयारियां जो है इस वक्त संकल्प हॉस्पिटल के अंदर की गई है। देखिए, चलिए नीचे की तस्वीरें देख लेते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा रहा वैक्सीन लगवाने का, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिल्कुल बढ़िया एक्सपीरियंस था। दर्द हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। साल की उम्र है मेरी? 17 इयर्स। 17 इयर्स के। तो ये पता कैसे चला कि भाई कोरोना वैक्सीन अब लगवानी चाहिए? ये जैसे हमारे एकेडमी वालों ने जो है बहुत सारे अब वो करे हैं, पोस्टर्स वगैरह भी लगाए हैं, साथ ही साथ हमारे पास जो फोन्स पे हैं जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं उनके पास पर्सनली मैसेजेस किए हैं कि आपको वैक्सीन स्टार्ट हो चुकी है 5 जनवरी से अंडर 18 की। तो ठीक है, क्या अब एकेडमीज के अंदर भी एंट्री खाली कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद ही हो रही है? बिल्कुल, फिलहाल टाइम वैसे एकेडमीज क्लोज कर रखी हैं, बट जैसे एंट्री है वो हमें पहले ही कह दिया गया कि भी अगर आपके कोवैक्सीन नहीं लगी हुई तो आपको एंट्री अलाउट नहीं की जाएगी। ठीक है, कुछ और बच्चे भी मौजूद है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपका? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। आप कह रहे थे पेन बहुत ज्यादा हुआ है? नहीं, पेन नहीं हो रहा मैम, बहुत अच्छे से लगा रहे हैं वैक्सीन को, और बहुत प्यार से बोल के बच्चों को समझा के इसके लिए मोटिवेट करके वैक्सीन लगा रहे, इसमें पेन कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, आप तो रो क्यों रहे हो? आप नहीं रो रहे? हम तो नहीं रो रहे। अच्छा, आप क्यों रो रही हो? डर लगता है मैम वैक्सीन से। वैक्सीन का डर लगता है? इंजेक्शन का डर लग रहा है? वैक्सीन लगता है। अच्छा, पहले कब लगवाया था लास्ट टाइम? लास्ट टाइम बहुत साल हो गए, बीमार नहीं हुई थी, कभी नहीं लगवाया। तभी नहीं लगवाया, रोइए मत। चॉकलेट देंगे मैम? नहीं हुआ, पर डर लगता है। डर लगता है? मैम से लगता है। मैं इंजेक्शन से लगता है। इंजेक्शन से लगता है। लगवा लिया है या फिर लगवाना है? लगवा लिया। दर्द हुआ? नहीं, दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर अब क्यों रो रहे हो? लगवा तो लिया। चलो, ये देखिए बच्चे जो है यहाँ पर आ रहे हैं, हालांकि कुछ बच्चे डरे हुए भी हैं क्योंकि वैक्सीन को लेकर के यहाँ पर जो वैक्सीन लगवाते हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए वैक्सीन जो है इस तरीके से लगाई जाती है।
देखिए डर बहुत ज्यादा लग रहा है लेडीज को, तो स्पेशली जो है बहुत ज्यादा डर लगता है। मैम कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, डर तो बहुत ज्यादा रही थी आप? डर तो लगता है, जितना डरी उतना दर्द हुआ? नहीं, कुछ नहीं होता है। हाँ जी, देखिए हो जाएगा, बस ऐसे ही आप लोगों को यहाँ आना है और वैक्सीन लगवा करके जाना है। मैम ये बताइए कि 15 से 18 साल के जो बच्चे वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, उनको आप कैसे समझा रहे हैं? क्योंकि कुछ बच्चों से मैंने बात की, वो डर बहुत ज्यादा रहे हैं। नहीं, उनको मोटिवेट करके आराम से बिठा के आराम से लगा रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बच्चे डरे हुए आते हैं लेकिन हम समझा के लगाते हैं। ठीक है, बच्चों के रिएक्शन कैसे आ रहे हैं? इंजेक्शन को लेकर के बहुत ज्यादा डर लगता है बच्चों को? नहीं, बच्चे डरे हुए आते हैं लेकिन यहाँ आने के बाद में समझ जाते हैं, समझाने के बाद। कितने बच्चों को वैक्सीन लगा चुकी हैं आप? बच्चे कम से कम 100 बच्चे हो चुके हैं आज। 100 बच्चे हो चुके? हाँ जी। तो आपको बता दूं कि इस वक्त जो है बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी काउंसलिंग की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है और समझाने के बाद ही उनको जो है वैक्सीन लगाई जा रही है। कितने साल की उम्र है आपकी? 17। 17 साल की उम्र है। तो अभी जो है वैक्सीन यहाँ पर लगवाने के लिए आए हैं, कितना डर लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा। तो कुछ बच्चों को डर लग रहा है, क्या वजह मानते हैं पीछे की? पता नहीं, वो डर लग रहा है उनको पता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो बच्चे जो है लगातार यहाँ पर कतार के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। संकल्प हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगा है और लड़कियां खास तौर के ऊपर डरी हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनको समझाया जा रहा है कि इंजेक्शन से कुछ भी दर्द नहीं होगा और अगर वो फिर भी नहीं मानती है तो उनको प्यार से समझा बुझा के इंजेक्शन लगा करके कोरोना की डोज दी जा रही है। खैर ये तो यहीं तक की खबर थी, आगे भी आपको बताते रहेंगे कि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए सरकार ने दूसरी डोज की फैसिलिटी कब शुरू की है और क्या आगे आने वाले दिनों के अंदर 15 से 18 साल के बच्चों के लिए और कुछ भी कंपलसरी किया जाने वाला है, क्योंकि स्कूल और एकेडमीज में ये बच्चे जाते हैं या फिर 15 साल से नीचे के बच्चों के लिए वैक्सीन जारी की जाने वाली है। सबसे पहले लाइव अपडेट हम आपको देंगे, तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी अमित असीजा के साथ। नमस्कार।